हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना की रसोई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं ढाबा स्टाइल आलू दो प्याजा। यकीन मानिए, अगर आप इस रेसिपी को मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो सब लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाली सब्जी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल आलू दो प्याजा। आलू दो प्याजा के लिए मैं 4 मीडियम साइज के आलू लूंगी और इनको छील लूंगी। 3 मीडियम साइज के प्याज ली हैं जिनको छील लिया है। इसी के साथ साथ मैंने 15 से 20 छोटी वाली प्याज ली है, इनको भी मैंने छील लिया है। 4 टमाटर लिए हैं। प्याज का यूज मैं आपको आगे बताऊंगी। अब मैं आलू को काट लेती हूँ। पहले मैं आलू के बीच में से 2 पीस करूँगी, फिर इनके भी मैं बीच में से 2 पीस कर दूंगी। इस तरीके से मैं एक आलू के 8 पीस करूँगी। अब अपने बचे हुए आलूओं को भी मैं ऐसे ही काट लूंगी। देखिए, सभी आलू के पीसेस हो चुके हैं। अब मैं इन्हें पानी में डाल लूंगी और आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। अब एक कढ़ाई ले, उसमें 1/4 कप तेल डालें और तेल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लें। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें अपने कटे हुए आलूओं को डालेंगे और 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हम आलू को लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। जब आलू में बाहर अच्छा सा कलर आ जाए और अंदर से ये पक जाए, यानी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, तब हम इन आलूओं को बाहर निकाल लेंगे। देखिए, आलू फ्राई हो चुका है। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब इसी तेल में मैं छोटी वाली प्याज डाल लूंगी और इनको मैं 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूंगी। अगर आपके पास ये वाली प्याज नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक मीडियम साइज की प्याज लेंगे और उसके भी हम 8 पीसेस कर लेंगे, जैसे हमने आलू के 8 पीस किए थे। हमारी प्याज भी फ्राई हो चुकी है, इनको भी मैं एक प्लेट में बाहर निकाल लूंगी। अब इस बचे हुए तेल में मैं 1 टीस्पून जीरा डालूंगी, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, 2 तेज पत्ता और 2 बड़ी इलायची डालकर मैं इनको भून लूंगी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने 3 मीडियम साइज की प्याज ली है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब मैं इसको डालकर मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर के होने तक भून लेंगे। देखिए, अब हमारे मसाले में से हल्का हल्का तेल भी साइड में आने लगा है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, इनको भी हम भून लेंगे। प्याज तो भुन गई, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। सब्जी को चटपटा और तीखा बनाने के लिए मैं 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और इन मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए, हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 कप टमाटर की प्यूरी डालूंगी। मैंने आपको शुरू में ही जो टमाटर दिखाए थे, मैंने उसको मिक्सर में डालकर पीस लिया था। हम उन्हीं टमाटर का यूज कर रहे हैं। अब हम इसमें ढक्कन लगाकर इसको 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। मुझे 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए, हमारी ग्रेवी में से कितना ऑयल रिलीज होने लगा है। बस अब मैं इसमें 1 कप फेंटी हुई मलाई डालूंगी। आप यहाँ पर चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सब्जी बनाने के लिए घर की फ्रेश मलाई का यूज करना ही पसंद है। मैं इसको मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पकने दूंगी। अब मैं इसमें 1 कप गर्म पानी डालूंगी, और अगर आप ग्रेवी थोड़ी पतली करना चाहते हैं तो 1.5 कप पानी डाल सकते हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें जो हमने आलू और प्याज को शैलो फ्राई किया था उसको डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं 1 टीस्पून गरम मसाला डालूंगी। गरम मसाला डालने से सब्जी में फ्लेवर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालूंगी और इनको मैं
अच्छे से मिलाकर ढक्कन लगाकर मीडियम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने दूंगी। अगर घर में कोई भी सब्जी नहीं है और मेहमान आ जाए तो आप इस सब्जी को झटपट बना के सर्व कर सकते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम फिर से चेक कर लेते हैं। वाओ, कितना अच्छा कलर आया है। आप इस सब्जी को रोटी, पराठा, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सब्जी तो हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी और ऊपर से हरे धनिए की गार्निशिंग कर दूंगी और ढक्कन लगा कर इस सब्जी को 1 मिनट के लिए हम रख देंगे। उसके बाद मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। आप भी इस सब्जी को जरूर बनाइएगा और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बताई हुई ढाबा स्टाइल आलू दो प्याजा कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।